सदर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद के समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चिलवाताल थाना क्षेत्र के जीतपुर में शनिवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार फिर गठबंधन ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहा है। गोरखपुर यहां के हर एक मतदाता का हम आभार प्रकट करेंगे जो अपने पिछले चुनाव में करके दिखाया था। जो आपका फैसला पिछले चुनाव का था उसमें न केवल गठबंधन का सम्मान बढ़ाया है बल्कि आपने हमारा और आदरणीय मायावती जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो एम्स बन रहा है ये समाजवादी पार्टी की देन है। मेडिकल कॉलेज बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए 200 और 500 बेड का अस्पताल बनाया ये बाबा इसे नहीं चालू कर रहे हैं। सड़क पर किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया, 500 रुपये मिल रहा था बीजेपी के लोगों ने छीन लिए। हमारी सरकार बनी तो 500 नहीं 3000 देंगे। 100 नंबर दिया हमने, हमारे बाबा मुख्यमंत्री खराब कर दिए क्योंकि बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते। कुछ लोगों ने जो निषाद पार्टी के लिए लोग धोखा देकर चले गए हैं। इस दौरान मंच पर गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद, राजमती निषाद, अमरेंद्र निषाद, पन्नेलाल पहलवान, राहुल गुप्ता सहित सपा बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात हो चाहे पुल बनाने की बात रही हो, चाहे हमारे किसान दुर्घटना बीमा देने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को लैपटॉप देने की बात रही हो, और चाहे अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया हो, समाजवादी पार्टी के लोगों ने करके दिखाया है। बताओ समाजवादी पेंशन मिलती थी गरीबों को, गरीब हमारी माताओं बहनों को पेंशन मिलती थी 500 रुपया महीना, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के लोगों ने वो भी छीन ली। हम अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं समाजवादियों की सरकार बनवाना, आपको 500 रुपए नहीं 3000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। 102 108 एम्बुलेंस लोगों ने इसलिए चलाया कि अगर गरीब कहीं संकट में है, परेशानी में आ गया, और अगर गरीब को पुलिस बुलाना पड़ जाए, थाने न जाना पड़े, तो डायल 100 का इंतजाम किया था। फोन करते थे, पुलिस पहुंच जाती थी, मदद करती थी। नंबर में भी वही बीमारी आ गई जो थाने में बीमारी थी, जो थाने में बीमारी थी वो 100 नंबर में भी आ गई। और हमारे पुलिस के अधिकारियों से हमारे जाने के बाद पूछ लेना, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था उसको लेकर के आए थे जिससे हमारे गरीब को थाने में न जाना पड़े, पुलिस उसके पास जाए और मदद करने का काम करे, वो भी हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दी। वहीं हम लोगों ने लैपटॉप भी बांट दिया था बच्चों को, अब तो 2 साल से कुछ मिला नहीं होगा, कन्या पिता धन भी नहीं मिला, और इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, चलाना जानते होते तो शायद बांट देते, वो नहीं बांट पाए। याद कीजिए सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, समाजवादियों ने सब स्टेशन बनाए थे, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जिससे बिजली मिल जाए। ये बाबा मुख्यमंत्री जी केवल ये कर रहे हैं कि आप में बिल ज्यादा भेजे दे रहे हैं, बिल ज्यादा भेज रहे हैं, सब पुरानी सरकार का काम आगे बढ़ा रहे हैं। बताओ गोरखपुर से देवरिया वाली सड़क और देवरिया से सलीमपुर वाली समाजवादियों ने दी थी, और ये महाराजगंज वाली भी समाजवादियों की सरकार में हुई थी। हम कहना चाहते हैं ये समाजवादी लोगों को धोखा देके चले गए लोग, कुछ लोगों निषाद पार्टी पता नहीं क्यों धोखा दे के चली गई, हमें तो पता नहीं। इन्हें ये बताया कि मठ से कोई प्रसाद मिल गया जिसकी वजह से हमें छोड़ के चले गए। यही राम भुवाल जी, यही अमरिंदर निषाद, हमने इनसे कहा कि देखो आपके समाज का लड़ रहा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने की। इन्होंने उस समय पूरी ईमानदारी से उनकी मदद की, और पहली बार इतिहास अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इतिहास बनाया। कोई नहीं सोचता था कि गोरखपुर की सीट जीती जा सकती है, लेकिन पता नहीं टूटा हाथ लेकर कैसे चले गए।
हमने तो नहीं देखा, सुना था कि कुछ दिन पहले पुलिस के लोगों ने बहुत धुलाई की थी, इतनी धुलाई की ये जिस दिन मिलने भी गए उन्होंने ऐसे ही हाथ लेकर के गए थे। पता नहीं कौन सा प्रसाद मिला, क्यों अमरिंदर बता सकते हैं कौन सा प्रसाद मिला, इन्हें भी धोखा दिया है अमरिंदर। वैसे ये गलती कर गए, अगर ये हमारे साथ रहते तो हो सकता है इनका भी भाग्य खुल गया होता जैसे राम गोपाल जी का भाग्य खुला है, क्योंकि हम समाजवादी लोग इंतजार नहीं करते। जैसे ही पार्टी छोड़ करके गए हमने कहा राम गोपाल हमारे निषाद समाज की लड़ाई लड़ने का काम। बताओ जिन लोगों ने, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो निषाद पार्टी है उन लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ हमारे निषाद समाज के लोग यही मांग तो थी उनकी कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, और बताओ जो आरक्षण खत्म कर रहे उन्हीं के शरण में चले गए। कौन सा प्रसाद था जिसकी वजह से वो वहां पर जाकर के प्रसाद लेने पहुंच गए। और हम कहना चाहते हैं अपने सभी लोगों को, ये बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है, जिस तरीके से अंग्रेज समाज को बांट के राज करते थे इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट के राज करना चाहते हैं। इसलिए गोरखपुर के लोगों से हमारा निवेदन है कि पटना नहीं, एक भी वोट पटने न पाए, एक भी वोट घटने न पाए, और पूरा का पूरा वोट गठबंधन में पड़ना चाहिए। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन कर रहे हैं, कभी झगड़ा करा देते हैं कि यादव सब छीन ले गए, बताओ यही झगड़ा कराते हैं कि नहीं कराते हैं, यही कराते हैं बीजेपी के लोग कि हम सब छीन लिए, यादव छीन लिए, कभी हमारा निषाद के साथ झगड़ा, कभी हमारा कुर्मी के साथ झगड़ा, कभी पाल समाज के साथ, कभी छत्री समाज के साथ, कभी ब्राह्मण समाज के साथ, कभी किसी के साथ झगड़ा करा देते हैं। भारत पर कर्ज दुगना हो गया है, पहले अगर 35 लाख करोड़ था तो आज लगभग 70 लाख करोड़ कर्ज हो गया। हम जानना चाहते हैं साल में जो कर्ज लिया है वो पैसा किन पर खर्च किया है, कोई जानकारी नहीं किस पे खर्च हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे खर्च हो गया। अगर दुनिया में देश तरक्की कर सकते हैं, अगर दुनिया में दूसरे देशों के किसान खुशहाली के रास्ते पे जा सकते हैं, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सकता है और मान सम्मान का जीवन हमारी माताएं बहनें जी सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन भी ऐसी रास्ते पर लेकर के जाएगा जिससे हमारे लोगों को मान सम्मान के साथ साथ खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। मुख्यमंत्री सपना दिखा सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे, ट्रेन लेकर के आएंगे, बताओ और बड़ी सड़क जा रही है आगरा लखनऊ वाली जैसी सड़क बन करके जा रही है। हमने कहा कि अपना शहर तो कम से कम जोड़ लेते, लखनऊ जाने का रास्ता उधर से निकल रहा है आपके 50 किलोमीटर आगे से और कमी होगा, तो हम चाहते हैं कि उस सड़क से आपको भी गोरखपुर को जोड़े, हम कहते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी आप मनोरंजन करो और हमारे राम गोपाल जी विकास करेंगे, क्योंकि आप विकास नहीं पसंद करते हो। अगर विकास पसंद करते तो बताओ आपने हमारी गरीब माताओं बहनों की पेंशन क्यों छीन लिया, चलते हुए काम क्यों रोक दिए, उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया, और पता नहीं कैसे अपने लोगों को भी सजा देने में चूकते नहीं है। अगर कोई है उनका करीब भी होगा तो उसको भी सजा दे देंगे, बताओ है सच्चाई कि नहीं है। और हमें कहते हैं कि हम समाजवादी लोग हैं तो हमारा कोई आतंकवादी झंडा इस्तेमाल कर रहा है, कभी सोचो बाबा मुख्यमंत्री जी के कितने झंडे हैं, एक हिंदू वाहिनी वाला झंडा, एक शिवसेना वाला झंडा, वो
आरएसएस वाला झंडा, एक बीजेपी वाला झंडा, एक हिंदू वाहिनी वाला झंडा और एक भारत का झंडा, न जाने कितने झंडा लेके घूम रहे बाबा जी हमारे। वो तो बाद में कैद किया जाएगा, अभी नहीं। इसलिए हम आप सबसे गरीबों से निवेदन करने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। इन्होंने झूठ बोल करके और नफरत फैला करके सरकार बनाई है। ये देश के भविष्य का चुनाव है, देश का भविष्य किसके हाथ में जाए उसका चुनाव है। ये कहते हैं नया भारत बनाएंगे, हम कहते हैं देश को नया प्रधानमंत्री हम देना चाहते हैं। बताओ देश का नया प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और कोई नहीं सोचता था कि सपा और बसपा आरएलडी मिलकर के ये गठबंधन बन जाएगा। ये गठबंधन बनाने का काम किया है और इस गठबंधन से इतना घबरा गए हैं कि उनकी भाषा बदल गई है। आज भाषा विकास की नहीं बोल पा रहे हैं, न जाने किस रास्ते पर हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए आप हमारी मदद करना। और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि राम गोपाल जी का सहयोग कर देना। ये आपके बीच में रह करके दिन रात आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और गोरखपुर को आगे ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं, अपने सभी माताएं बहनों का धन्यवाद देते हैं, जिम्मेदार नेता जो दिखाई दे रहे हैं उनका, और विशेष अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए मदद करना और साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके इन्हें जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी नेताओं का और अपने योद्धा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कम से कम आए और यहाँ पर भी अपने आप को दिखाया कि हाँ हम भी तो कहीं हम शक्ल हैं। अगर ये अंधेरे में चले जाए तो पुलिस इनके साथ चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.